अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। और आज मैंने न्यू हेयर कट करवाया है, तो कैसा लग रहा है? वैसे मेरे बाल इतने ज्यादा छोटे हैं और बाल पता नहीं क्या हो चुका है, जो बाल ना बढ़ते ही नहीं है। जब से इतने ज्यादा केमिकल्स यूज किए हैं तो बाल बस बढ़ते ही नहीं। लेकिन आपकी बार मैंने तय किया कि आपकी बार मैं बालों में कोई कलर नहीं करवाऊंगी, कलर वगैरह कुछ भी नहीं करवाऊंगी। मैं हर बार ये सोचती हूँ लेकिन फिर मुझे ना बस शौक हो जाता है और करवाने लगती हूँ। तो बस पहले ये होता था ना कि मुझे ना, जब मैंने सलून ज्वाइन नहीं किया था ना, तो पहले मुझे ये होता था, मुझे बहुत ज्यादा शौक होता था कि मैं मॉडल बनूं, किसी मॉडल बनूं, यानी किसी को कोई मेकअप वगैरह करना होता था तो मुझे कोई कहता था तो मैं ना चली जाती थी मेकअप करवाने के लिए। लेकिन अब ऐसा है ना कि बस जितने भी मतलब स्टूडेंट है ना ये सैलून में, तो इतने ज्यादा है, मुझे खुद को बस इस काम में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसकी कोई हद नहीं है। पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? काम सीखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि काम का तो मुझे शौक है, बहुत ही ज्यादा शौक है, हद से ज्यादा, कि मैं ये काम सीखूँ और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन, बहुत ही ज्यादा शौक है और इंशाल्लाह ताला सीख जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही कि इस काम के लिए ना हर रोज रेगुलर एक मॉडल चाहिए होती है, एक मॉडल। अब सलून जो है मेरे घर से इतना ज्यादा दूर है और मॉडल जाहिर सी बात है एक बाइक पे दो बंदे तो जाने से रहे, तो मैं किसी को ले भी नहीं जा सकती और इस वजह से मेरा काम बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है। हर कोई काम के बारे में पूछता रहता है कि यार तुम कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक पहुंची, कितने बार, तो मैं जवाब ही नहीं देती। अब मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि जवाब देने के लिए होता ही नहीं। हर रोज मेरा काम बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल की वजह से। तो कोई मॉडल मिल ही नहीं रही होती है, तो बस ये है कि आप एक्सचेंज ऑफर थोड़ा यहाँ तक जब पहुंची हो ना, तो एक्सचेंज ऑफर किए जाने के। आज भी मैंने किसी का पेडीक्यूट कर दिया, तो उसने मेरे बालों की हेयर कटिंग कर दी, तो ये स्टेप कटिंग है, उसने कहा हेयर कटिंग, तो मैंने कहा सही है भाई, कर वाला तो वो वाला। वैसे भी ना वहाँ पे अब तो मैं खुद, आज भी कितने लड़कियों ने कहा कि यार जाहिदा आज मॉडल बन जाओ ना तो मेरी मेकअप करना है। मैंने कहा नहीं यार, मेकअप में पता है तो सीखने वाली नई लड़कियां हैं सारी, ठीक है ना, मेरे समय तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। मैं हर रोज 3 से 4 घंटे नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे ना घर पे फाइनली 4 बजे तक तो मुझे पहुंचना ही पहुंचना होता है, 4:30 बजे मलिया का टाइम होता है। तो अब तो मॉडल बनने से ना दिल भर चुका है, इतने बार मैं बन चुकी हूँ ना, इतने बार मैंने मेकअप करवाया, मैंने फेशियल करवाया, मैंने ना क्या कहते हैं, मैंने वैक्स करवाया, सब कुछ करवा लिया, अब दिल मेरा भर चुका है। तो आज लास्ट था, तो आज मैंने किसी के लिए हेयर कट भी करवा लिया, तो सब यही कहते हैं कि यार तुम ना कितनी अच्छी हो, यानी कि तुम कितनी अच्छी हो, हम जब भी कहते तो मॉडल हमारी बन जाती हो। तो मैंने कहा भाई मैं इस भरोसे पे बनती हूँ कि मैं तुम लोगों के काम आई हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे काम आएगा आगे, क्योंकि अब तो फिर मुश्किल थोड़ी सी कम है, फेशियल वगैरह ये वो ये लड़कियाँ करवा लेती थी, जब मेकअप की मेरी बारी आएगी ना तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेकअप में ना बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और जाहिर सी बात है नए सीखने वाले हैं ना, यूं तो बजाय मुझे भी हर चीज बहुत इजी लगती थी कि नहीं मेकअप में कर लूंगी इजीली ये वो, लेकिन बस उसके तरीके, तब तो बहुत ज्यादा फर्क होता है ना, एक मॉडल को हम ना घर में रेडी करवा लें और एक को सलून से रेडी करवा, तो काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। तो टेक्निक होती है, तरीके होते हैं, बाकी सीखने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। बस ये टेंशन ले लेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है मॉडल की, बस अल्लाह ताला ये टेंशन भी दूर करे। खैर अब तो मेरे 2 महीने होने वाले हैं, तो बाकी के 2 महीने रहे, यानी तकरीबन 5 महीने हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम होते हैं, एग्जाम की डेट वगैरह आती है, तो 5 महीने हो ही जाएंगे। तो बस कल इसलिए हमने कल का व्लॉग भी डाला, क्योंकि कल हस्बैंड की जो कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से हम वीडियो भी नहीं बना पाए, तो बस नहीं बनाए। उसके बाद आज फिर किसी ने सही कहा कि ये बहुत एक खतरनाक किस्म का वायरस चल रहा है, जो कि घर में एक को होता है दोबारा, लेकिन ये तो गलत बात है, हम पे ये दोबारा से वायरस ने अटैक किया, एक बार हम सबको हो चुका है तो अब रिटर्न दोबारा से आया है। लेकिन यहाँ पे बच बच के हम कितनी चीजों से बचेंगे, कि बस लोग कहते हैं ख्याल रखा करो ये वो। तो कल मेरे हस्बैंड को हुआ परसों, उसके बाद आज मलिया को होने लगा है, मलिया को आज फीवर हो गया, मलिया काफी ज्यादा गर्म हो रही थी उसको आज हुआ है, तो बस ये बुखार, उसके बाद ना खांसी स्टार्ट हो जाती है, ये लिया बुखार है, उसके बाद खांसी स्टार्ट हो जाती है, और बस ना जिस्म में तो इस कदर शदीद दर्द होता है ना कि बंदे को ऐसा लगता है कि अभी हम कितने कितने ज्यादा ना काम करके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा काम करके आ रहे हैं, और मगर काम हालांकि कुछ भी नहीं किया होता, बस वो अल्लाह ताला बचाए इससे। और ये शुक्र है कि जो मेरे हस्बैंड का बुखार था टेस्ट करवाया तो वो मलेरिया नहीं था, बस ये जो चल वायरस रहा अजीब किस्म का, तो अब चल रहा है, बस अभी अल्लाह इससे शिफा दे। वायरस के अलावा अभी हमारे यहाँ पे क्या ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी सही नहीं है।
तो बस यही कि काम अब मेरा जो के है ना, मेरा सेकंड स्टेप में चल रही हूँ। टोटल यहाँ के ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ स्टेप होते हैं। फर्स्ट तो हेयर स्टाइलिंग का होता है, फिर सेकंड स्किन का होता है, स्किन के अंदर वैक्स से और ये थ्रेडिंग वगैरह ये चीजें आ गई। तो मेरा अब सेकंड चल रहा है, तो बस जल्द से जल्द सेकंड हो जाए। इसके लिए मुझे 5 मॉडल्स की जरूरत है, 5 फेशियल की। और मेरी ना बेटियां 3 थी, वो इतनी छोटी हैं, अगर यकीन मान मेरी बेटियां बड़ी होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही ना होती। मैं तो किसी को भी लेके चली जाती। तो बस अब क्या प्रॉब्लम है, लोगों को बोलना भी पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, किसी के पास इतना फ्री टाइम भी नहीं होता है 4-5 घंटे का जो बंदा बोले। तो खैर अब यहाँ तक हुआ है, आगे भी हो जाएगा। तो बस ये जरूर बताइएगा कि मेरी जो फ्रेंड ने हेयर कट किया है कैसा किया है, क्योंकि अब आगे जाकर मुझे भी करना है। तो फिर मेरे बाल छोटे थे, फिर भी छोटे बालों में काफी ज्यादा अच्छा किया है। तो वैसे मुझे हेयर कट की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने किसी की हेल्प के लिए करवा ली, क्योंकि ऐसे हेयर कट अमूमन वो खवातीन करवाती हैं जो डेली मूवमेंट में बालों को ना खुला छोड़ती हूँ। लेकिन मैं खुला नहीं छोड़ती हूँ, खुले रह ही नहीं सकते मेरे बाल। तो बस किसी की हेल्प के लिए करवाया। तो आज का व्लॉग यही था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो कमेंट्स करके जरूर बताएगा, और प्लीज मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या हो ना।